आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उनकी जिन्हें कोई चाणक्य कहता है, उन्हें कोई कुशल रणनीतिकार कहता है, तो कोई कहता है कि अगर अमित शाह है तो जीत की 100% गारंटी है। असल में शतरंज खेलने के शौकीन अमित शाह का मुकाबला चुनावी बिसात पर तो कोई कर ही नहीं सकता, और इसीलिए शाह को जब जहां जो जिम्मेदारी मिली वो उन्होंने बखूबी निभाई और साबित कर दिया कि शाह के होने का मतलब है विरोधियों की मार, और इसलिए हम कह रहे हैं अमित शाह द रियल गेम चेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब लोकसभा चुनाव के बाद सियासत के नए शहंशाह बनकर उभरे अमित शाह की जीवन गाथा पर भी अब बायोपिक बनेगी। मोदी के बाद अब उनके प्रधान सेनापति यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के पॉलिटिकल करियर और जीवन संघर्ष पर आधारित पॉलिटिकल बायोग्राफी बाजार में आ चुकी है। बुक स्टोर्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग इस किताब को लेकर खासे क्रेजी भी नजर आ रहे हैं, और किताब को सुपरहिट रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की। मोदी के बाद अब नए सरदार पटेल पर बायोपिक की तैयारी। अमित शाह के संघर्षपूर्ण जीवन पर बनेगी बायोपिक। बायोपिक से पहले अमित शाह पर छपकर सामने आई किताब अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने लिखी किताब। राजनीति के आकाश में देश के सबसे तेज चमकते सितारे पीएम नरेंद्र मोदी के मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नए सरदार पटेल के अवतार बनकर उभरे हैं। उनके राजनीतिक जीवन पर आधारित ब्लूम्सबेरी की ओर से प्रकाशित पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ अमित शाह में उनके गुजरात से दिल्ली तक के सफर को बखूबी बयां किया गया है। किताब को हाथों हाथ बाजार में बेहद पसंद किया गया। बायोग्राफी की जबरदस्त पब्लिक डिमांड है। इसी को देखते हुए अमित शाह के जीवन संघर्ष पर आधारित अब बायोपिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह की बायोपिक पर आने वाले दिनों में तेजी से काम भी शुरू हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अमित शाह ही वो व्यक्ति हैं जिनकी बायोपिक को पीएम मोदी की सहमति मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी और शाह की जबरदस्त बॉन्डिंग और दो जिस्म एक जान वाली गहरी दोस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की राजनीतिक यात्रा पर लिखी गई इस किताब में अमित शाह के राजनीतिक संघर्ष और सफलता की कहानी को बताया गया है। किताब के लेखक एसपी मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और सीनियर रिसर्च फेलो शिवानंद द्विवेदी के अनुसार जब शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तब अमित शाह राज्य की राजनीति के बारे में उतना ही जानते थे जितना तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियां कश्मीर की राजनीति के बारे में जानती हैं। किताब में आगे कहा गया है उत्तर प्रदेश में पार्टी के नाम पर सिर्फ नेता थे, कार्यकर्ता लगातार हार और सांगठनिक विफलता से निष्क्रिय हो चुके थे, लेकिन शाह रेत में दीवार खड़ी करने का मंसूबा बना चुके थे।
ये काम बेहद मुश्किल था, सब जानते हुए भी शाह ने सबसे मुश्किल काम अपने हाथों में लिया था। किताब के मुताबिक एक और जहां 2013 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद अगले एक साल में उन्होंने राज्य में करीब 93,000 किलोमीटर की यात्रा की और 52 जिलों का दौरा करते हुए वहां 142 दिन बिताए थे। वहीं 2009 में मिली 10 लोकसभा सीट से 2014 में 71 सीट तक पहुंचाने की रणनीति के पीछे शाह की इस अनथक कवायद से मिला अनुभव था। अमित शाह की पीएम मोदी से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का भी किताब में जगह जगह जिक्र किया गया है। बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और बीजेपी का संगठन भी बड़ा मजबूत हुआ है, और ये जो सफलता इस बार के लोकसभा चुनाव में मिली है उनमें अमित शाह का योगदान कम नहीं है। उनके संगठन कुशलता और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दोनों ने मिलकर इस चुनाव में भाजपा को विजयी बनाया है। कुछ ऐसे लोगों की बायोपिक अभी बनी है हाल में जो मार्केटिंग के लिहाज से सूट करती है, लेकिन ऐसी कुछ कला फिल्में भी बनी है बायोपिक में जिस जैसे मंटो पे बनाई गई है, उसी कड़ी में अब लोग सियासत में ऐसे किरदार ढूंढने लगे जिन पर बायोपिक बनाई जा सके। लेखकों के मुताबिक शाह पहली बार सितंबर 2010 में बनारस गए थे और तब वो न भाजपा के अध्यक्ष थे और न महामंत्री, तब वो केवल गुजरात में भाजपा के विधायक थे। लेखकों ने दावा किया है कि इस दौरान बनारस और गंगा की दुर्दशा देखकर व्यथित शाह ने अपने एक साथी से कहा कि जैसे ही मौका मिले इस शहर और राज्य के लिए कुछ करना है। उनकी बायोग्राफी के अनुसार पार्टी की हालत देख अमित शाह इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि पार्टी को अप्रासंगिक और आधारहीन हो चुके नेताओं से मुक्त कर नया नेतृत्व खड़ा करना होगा। अति पिछड़ी जातियां जो इस ध्रुवीकरण की परिधि पर बैठी हैं, उनके भीतर असरदार नेतृत्व पैदा कर एक नई सामाजिक गोलबंदी करनी होगी तथा चुनाव नहीं बल्कि बूथ जीतने की योजना बनानी होगी। हिंदुत्व के एजेंडे को सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ना होगा। अमित शाह को मई 2013 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया और लेखकों के अनुसार अगले एक वर्ष में उन्होंने यूपी में सोशल इंजीनियरिंग की एक ऐसी दीवार बनाई जो भाजपा के लिए अभेद्य किला बन गई। शाह की सोशल इंजीनियरिंग ने जातिवाद के आधार पर तैयार होने वाले क्षेत्रीय दलों अथवा क्षेत्रकों की सियासी जमीन को दरका दिया। शाह के माइक्रो मैनेजमेंट और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का यह नतीजा था कि 2014 में राज्य में भाजपा को 42.3% वोट मिले। किताब में एक जगह खुलासा करते हुए लिखा गया है कि 1984 में भाजपा को आम चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जब शाह भाजपा में शामिल हुए तब उन्हें अहमदाबाद के नारनपुरा वार्ड में चुनाव अभिकर्ता के रूप में पहली जिम्मेदारी मिली। वो पहली बार बूथ संख्या 263 सांघवी के प्रभारी बने थे। लगातार दो बार मोदी की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने का करिश्मा करने वाले मोदी के सबसे खास सेनापति अमित शाह की कहानी किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं है। यह हर उस कार्यकर्ता और व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में संघर्षों का सामना कर आगे बढ़ने का सपना देखती है। जो अच्छा काम करते हैं, देश की राजनीति में जो टर्निंग लाते हैं, उनके लिए फिल्में भी बनती हैं, किताबें भी आती हैं। ये भारत की क्या, विदेश में भी कई जगह ऐसी परंपराएं रही हैं। जब इनको महामंत्री बना करके उत्तर प्रदेश भेजा गया था तब कोई नहीं सोच सकता था कि 2014 में 71 सीट भाजपा को आएगी और दो सही को चलों को 73 सीट आना, ये क्या रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। ये रणनीति का ही हिस्सा है। एक दो तरह का मैनेजमेंट अमित शाह जी करते हैं, एक माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, एक मैक्रो मैनेजमेंट।
और दोनों ही मैनेजमेंट में इनको भारत हासिल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी वर्तमान में केंद्र में गृह मंत्री के नाते दायित्व संभाल रहे अमित शाह जी का, मैं अगर याद करूं कि अध्यक्ष के नाते का कालखंड 3.5-4 साल का, तो कह सकता हूं कि एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से अकाट मेहनत करते हुए 24 घंटे में से अधिकतम समय पार्टी के लिए, उसकी रणनीति बनाना, उसकी योजना बनाना, अधिकांश कार्यकर्ताओं को कैसे हम काम में जोड़ सकते हैं, जो पार्टी की एक पंच लाइन हम कहते हैं हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, उसको एक तरह चरितार्थ करने का काम किया। हम जब 2014 में आए तो 4 राज्यों में सरकार थी और अब बढ़ते बढ़ते लगभग 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंची। ये जहां नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, वहां अमित शाह जी की रणनीति और उसके साथ साथ उन कार्यकर्ताओं का, जो करोड़ों कार्यकर्ता इस देश में काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था और उसको एक निष्ठा के साथ पार्टी और पार्टी के उद्देश्य की पूर्ति में लगाने का काम अमित शाह ने। खुद अमित शाह ने 30 मार्च 2019 को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले आयोजित रोड शो में कहा था, मुझे वो दिन याद है जब मैं एक युवा कार्यकर्ता के रूप में नारनपुरा इलाके में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए पोस्टर चिपकाता था। वर्षों बीत गए हैं और मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन यादें अब भी ताजा हैं और मुझे पता है कि मेरी यात्रा यहीं से शुरू हुई। अब गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर आ चुके अमित शाह उस समय की बात कर रहे थे जब 1982 में वो एबीवीपी के युवा कार्यकर्ता थे। कई साल बीत चुके हैं और वो लड़का जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के दूसरे दिग्गज नेताओं के लिए पोस्टर चिपकाता था, आज खुद पार्टी का पोस्टर बॉय बन चुका है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत दिलाने के बाद अमित शाह रुके नहीं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत दिलाने का करिश्मा कर दिखाया है। ऐसे में राजनीति के जानकार मानते हैं कि अमित शाह की बायोपिक बनती है तो वो भी सुपरहिट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब शाह प्रशंसक इस बात की खोज में जुट गए हैं कि यदि शाह की बायोपिक आती है तो उसमें सबसे फिट रोल में क्या मोदी की बायोपिक में शाह का रोल निभाने वाले कलाकार सौरभ शुक्ला सबसे फिट होंगे या फिर कोई और चेहरा बेहतर विकल्प हो सकता है। आलोक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अमित शाह की बायोग्राफी सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी जैसी है, इसे सीखने की अपार संभावनाएं हैं। शाह की मेहनत, लगन, सही व्यक्ति का चुनाव और सही जगह सही व्यक्ति का इस्तेमाल कोई अमित शाह से सीखे। यूं ही अमित शाह मोदी की आंखों के तारे नहीं बन गए, उन्होंने ये स्थान हासिल किया है, खुद को हरदम साबित किया है। अमित शाह की बायोपिक को लेकर आपके मन में उठ रहे हर सवाल का अगर जवाब जानना है तो हमारी ये रिपोर्ट भी देखें। अमित शाह की बायोग्राफी एक पूरा का पूरा सफर है, ऐसा सफर जिसकी कहानी अकल्पनीय लगती है। छात्र राजनीति से पहले आम कार्यकर्ता और फिर गुजरात की राजनीति से केंद्र की राजनीति की धुरी में आकर खड़े हो जाना अविश्वसनीय है। शाह ने पार्टी की दशा और देश की राजनीति की दिशा दोनों को अपने हिसाब से मोड़ दिया है। जहां विरोधियों के लिए मौके कम ही नजर आते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी अमित शाह आम जीवन में बिल्कुल आम आदमी की तरह जीते हैं। वही भावनाएं, वही ह्यूमर, वही अपनापन, परिवार के प्रति वही असीम प्रेम। वे कैफी आजमी और साहिर लुधियानवी की शायरी के मुरीद हैं, ज्योतिष और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, नियमित डायरी भी लिखते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के राजनीतिक जीवन यात्रा और व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं पर केंद्रित पुस्तक अमित शाह और भाजपा की यात्रा में अमित शाह के जीवन से जुड़े हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है।
इस पूरी पुस्तक में सबसे ज्यादा फोकस रहा है उनके राजनीतिक जीवन पर। पुस्तक के लेखक अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने अमित शाह के राजनीतिक सफर और संगठन विकास की सहयात्रा को बड़े ही सलीके से पुस्तक की शक्ल में परोसा है। ये पुस्तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित है, जिसे प्रकाशक ब्लूम्सबरी नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। शिवानंद द्विवेदी देवरिया जिले के सजाव गांव के रहने वाले हैं। भाजपा की थिंक टैंक में सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर जुड़े द्विवेदी ने बताया कि पुस्तक लिखने में 1.5 साल का वक्त लगा और बीते 30 अप्रैल को इसका प्रकाशन हुआ। फिलहाल ये पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है। हिंदी में 218 और अंग्रेजी की पुस्तक में 296 पेज हैं। 1984 के बूथ कार्यकर्ता से 2014 में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष तक का सफर इसमें बयां किया गया है। सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष बनने के सफर की पूरी दास्तान इसमें है। यूपी विधानसभा चुनाव का भी इसमें स्पेशल जिक्र है। एक अध्याय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सफलता पर केंद्रित है। विधानसभा चुनाव में 93,000 किलोमीटर की यात्रा और अध्यक्ष बनने के बाद अगस्त 2014 से सितंबर 2018 तक देश भर में यात्रा का जिक्र इसमें किया गया है। इस यात्रा में अमित शाह ने 7,90,000 किलोमीटर तक की दूरी तय की। अमित शाह ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनका जिक्र इस किताब में किया गया है। शाह ने राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे, संघर्षों की बदौलत शीर्ष मुकाम हासिल कर भाजपा को सिरमौर बनाया। पुस्तक में संघ और भाजपा की कार्यप्रणाली, समन्वय और समय के साथ संचालन में आए बदलाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम किरदार का भी जिक्र है। अमित शाह की राजनीतिक यात्रा में पीएम मोदी अहम कड़ी है। वो विचारधारा को सर्वोपरि मानते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के राजनीतिक सफर और संगठन विकास की सह यात्रा को इस किताब में बड़े ही सलीके से पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। जीवन से तो हर कोई परिचित है, उनके ऊपर आई किताब अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी शाह के जीवन के उन पहलुओं को भी छुएगी जिनसे लोग आज तक अनजान रहे। अमित शाह अपने परिवार के बीच कैसे रहते हैं, इस कुशल रणनीतिकार की निजी जिंदगी कैसे चलती है, बचपन से लेकर आज तक की हर एक कहानी आपको हम दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट। बेमिसाल नेता, शानदार व्यक्तित्व, कुशल रणनीतिकार, जिंदा दिल इंसान, चुनौतियों से टकराने वाला योद्धा, पोती के साथ बच्चे बनकर खेलने वाले दादा, एक सख्त राजनेता की छवि वाले अमित शाह निजी जिंदगी में बेहद जिंदा दिल इंसान है। वे एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और कहीं भी हों अपने परिवार का ख्याल उनसे दूर नहीं होता। अमित शाह को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला इंसान माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज बीजेपी जहां पहुंची है वहां पहुंचाने में अमित शाह का बड़ा योगदान है। चुनौतियों को अवसरों में बदलने की काबिलियत वाले अमित शाह के लिए लगता है कि कोई लक्ष्य नामुमकिन है ही नहीं। उनकी काबिलियत की ये वानगी ही है कि शाह आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी में उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें लिखी गई। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी की बायोग्राफी अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी आज के युग में
भारतीय जनता पार्टी का संगठन, रणनीति, प्रबंधन, इन तमाम मुद्दों को छूते हुए जो एक व्यक्तित्व उभरता है उसका नाम है अमित शाह, जिन्होंने अपने रणनीतिक कौशल से और संगठनात्मक क्षमता और सामयिक राजनीतिक मुद्दों की समझ के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 282 की यात्रा को एक मुकाम दिया और अब 303 यानी 303 का जो सफ़र तय किया है, निश्चित रूप से उसमें अमित शाह जैसे चतुर राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार की बड़ी भूमिका है। उनकी शादी सोनल बेन से सन 1987 में हुई थी, लेकिन इस किताब में एक दिलचस्प बात उनके बारे में लिखी गई है। बताया गया है कि वे अक्सर अपनी शादी की सालगिरह भूल जाते हैं, उनकी पत्नी सोनल याद दिलाती हैं। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी पोती रुद्री से बहुत प्यार करते हैं। कहा तो ये भी गया है कि वे उसे गोदी में बिठाकर गांधी जी का प्रिय गान वैष्णव जन तो तेने कहिए सुनाते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर को अपनी रणनीति से चमत्कृत करने वाले अमित शाह जब अपनी नातिन के साथ होते हैं तो सब कुछ भूलकर बच्चे बन जाते हैं। अमित शाह चाहे जितने व्यस्त हों, चाहे जहां हों, रात को सोने से पहले फोन पर अपनी पोती रुद्री की हंसी जरूर सुनते हैं। खाने पीने के मामले में भी अमित शाह काफी शौकीन माने जाते हैं। उन्हें पकौड़े सबसे ज्यादा पसंद हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को भी पकौड़े खिलाना नहीं भूलते। बताया जाता है कि गुजरात चुनाव के दौरान अमित शाह ने देर रात कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से हंसते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता ज्यादा बेसन खाएंगे वही गुजरात जीतेगा। अमित शाह को दिशा भी बचपन से ही मिली थी और गुण जन्मजात थे। अमित शाह जब 4 साल के थे तब वे सुबह 4 बजे उठकर पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आचार्यों और शास्त्रियों से आध्यात्मिक ग्रंथों, देश की संस्कृति और इतिहास की शिक्षा ग्रहण करती थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति को आत्मसात किया था। खुद अमित शाह कहते हैं कि उनके जीवन में श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत के विद्वान केशवराम काशीराम शास्त्री का बहुत प्रभाव रहा। अपनी माँ के द्वारा दिए गए संस्कार अमित शाह की पूंजी है। माँ से प्रभावित होकर शाह ने इतिहास में दर्ज महापुरुषों की आत्मकथाओं को पढ़ा और माँ से प्रभावित होकर ही वे खादी पहनने लगे। संस्कार तो बचपन से थे ही, लेकिन आरएसएस की शाखाओं में शामिल होकर अमित शाह देशभक्ति के रंग में रंगते चले गए। शतरंज के खिलाड़ी ने बदली सियासत की हर बिसात, बीजेपी को मिली शह, विरोधियों के हिस्से आई मात। शाह शतरंज और क्रिकेट के शौकीन हैं। शायद शतरंज में महारत ने ही अमित शाह को वर्तमान का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया है। उनके सामने जो आता है वे उसे चारों खाने चित कर देते हैं। शाह के इस हुनर से विरोधी हैरान तो दुनिया चमत्कृत रह जाती है। अमित शाह का राजनीति में आना अनायास नहीं था। वक्त ने हर कसौटी पर उन्हें कसा और अमित शाह ने हर कसौटी को पार किया। अमित शाह याद करते हैं कि पहली बार वे 1977 में सरदार पटेल की बेटी और गांधीवादी मनी बेन के साथ चुनाव प्रचार के लिए गए थे। अपने राजनीतिक सफर में शाह ने कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, बस वे लगन और मेहनत से लगे रहे और आगे बढ़ते रहे। उनके राजनीतिक करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब सन 1991 में लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। शाह ने उनका चुनाव मैनेजमेंट देखा और जितनी बार आडवाणी ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा तब तक अमित शाह ही उनके चुनाव मैनेजर रहे। इसके बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गांधीनगर से चुनाव लड़ा तो उनके चुनाव का जिम्मा भी अमित शाह ने ही संभाला था। लेकिन अमित शाह की असली जोड़ी तब बनी जब वे और मोदी एक साथ आए। अमित शाह की रणनीति और मोदी का मैजिक दोनों मिले तो गुजरात में बीजेपी का अजेय दुर्ग तैयार हो गया। कुशाग्र बुद्धि के दम पर उन्होंने संगठन मजबूत करने की काबिलियत दिखाई तो फिर कामयाबी उनकी राहों में फूल बिछाने लगी। गुजरात की गद्दी से देश के गृह मंत्री तक नई सदी के सरदार पटेल का हर किसी ने लोहा माना। अनथक रहकर काम करने की ऊर्जा और लक्ष्य अनुसंधान की तत्परता अमित शाह को देश के बाकी सियासतदानों से अलग बनाती है। इतना ही नहीं, उनके राजनीतिक मैनेजमेंट ने उन्हें चाणक्य की उपाधि दिलाई। मोदी और शाह की जोड़ी ने वो कमाल किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 2014 में जिन अमित शाह ने बीजेपी को यूपी में बंपर जीत दिलाई, उन्हें जब देश की जिम्मेदारी मिली तब 2019 में चमत्कार हो गया। बीजेपी ने पहली बार 300 का आंकड़ा पार किया अपने दम पर। गुजरात के गृह मंत्री से देश के गृह मंत्री तक का सफर उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर पूरा किया है। कहा जाता है कि अमित शाह एरोगेंस हैं और बात नहीं करते, लेकिन हकीकत कुछ और है। शाह के करीबी जानते हैं कि वे अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से सीधे बात करते हैं। कॉल करते ही बोलते हैं कि दोस्त बोल रहा हूँ। बार बार पूछते हैं कि समझे या नहीं, नहीं कहने पर फिर समझाते हैं।
अमित शाह की किताब पर अगर बायोपिक बनती है तो जाहिर है कि उसे देखने के लिए हर किसी के जेहन में जिज्ञासा होगी, क्योंकि समर्थक हों या विरोधी, अमित शाह को हर कोई जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।